हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ स्पीति वैली। ये है हमारी कार इनोवा जिससे हम सब ट्रैवल कर रहे हैं। अभी सभी अपना सामान कार के अंदर पैक कर रहे हैं। अभी टाइम है रात के 11 बजे, June 8, 2019। हमारा टारगेट है नेक्स्ट डे रामपुर बुशहर पहुंचने का, जो कि है 472 किलोमीटर दिल्ली से। एंड हमारा रूट है दिल्ली शिमला नारकंडा रामपुर बुशहर। ये है हर्ष भाटिया, साथ में है अमित गोला, एंड यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। 24/7 से सामान लिया जा रहा है मेघपालपुर से। ये लॉन्डे हेलो कर दे। हेलो, अभी आया नहीं तू, अब आया। हेलो भैया, और फिर यहाँ से हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। सब बैठते हैं, रेड बुल लेते हैं और चलते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट आपको सारी वीडियोज जो आप दिख रही हैं, ये है रामपुर से काजा के रास्ते में, मतलब कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे की हैं। दिल्ली से रामपुर में इतनी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं मिली, बट रामपुर के आगे तो मज़ा ही आ जाएगा। सो एंजॉय द व्यूज। मोस्टली रास्ते जो हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन पर आपको बीच में कुछ सेक्शंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आएगी आपको। एंड ये तो फिर भी ठीक है। लिटरली जो एक सेक्शन बहुत ही ख़राब था कुछ किलोमीटर्स का रास्ते का, वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब था एंड सिंगल लेन था। यहाँ पे फिर भी रास्ते ठीक हैं। सो मोस्टली रास्ते ठीक हैं। एंड जब हम वापस आए थे 2 दिन बाद, तब तो ये भी सारे मतलब कंस्ट्रक्शन काफ़ी बहुत ही अच्छी हाई स्पीड से चलती है वहाँ पर, तो रास्ते आपको लगभग सारे अच्छे मिलेंगे एंड सारी गाड़ियां भी आराम से जा सकती हैं। एंजॉय द व्यूज। आगे ड्रोन शॉट्स भी आएंगे। जेसीबी सोना निकाल भाई, देखियो देखियो देखियो, नहीं होता इसके साथ, रोक ही नहीं रहा भाई, स्पीड भी कम नहीं कर रहे। नहीं रोकते, नहीं रोकते, हम ऐसा रुकवाते हल्का सा कट मार के, आज गुजर बंद पूरा नहीं नहीं रोकता ही नहीं, वो ठोक के चलाया था, मोमेंटम में चला होता उसको, पूरा रोक सकता ही नहीं वो, गलती से मत कर दिए, रोक तो सकता ही है।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। फिलहाल अभी हम हैं काजा में, ठीक है। यहाँ तक की जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी वो पूरा स्पीति वैली घूम के आ रहे हैं। सो जो भी हो पाएगा, जितने भी ड्रोन शॉट्स हो पाएंगे और जो भी वीडियोस बीच में दिखेंगी वो दिखाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे हम, वो सब आपको दिखा देंगे। बाकी फिलहाल काजा तक आने में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी को आराम से आ सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बीच में कुछ बम्स आते हैं, छोटे मोटे रास्ते छोटे मोटे, लेकिन पर वो बहुत ही, मतलब कोई भी गाड़ी ला सकते हो, कोई भी गाड़ी आ सकती है काजा तक, तो आ सकती है गर्मियों के टाइम पे, ठीक है। फिलहाल जून, जून ही चल रहा है ना, क्या डेट होगी आज? आज दस हाँ, तो आज 10 जून है, तो इस मौसम में तो फिलहाल कोई भी गाड़ी आ सकती है। अभी भी आगे मनाली का खुला नहीं है, तो यहीं से वापस जाना पड़ेगा, जो बहुत बोरिंग रास्ता है। लद्दाख का भी बंद है, जो सेम रास्ते हैं दोनों जाने का रास्ता था बेसिकली। कभी भी आप आए तो सीजन चेक करके आए कि रास्ता खुला हुआ है नहीं खुला हुआ। हाँ, क्योंकि जो मेन रास्ता है मनाली से आता है जो काजा के लिए, वो फिलहाल बंद है, और अब वापस उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, मतलब शिमला, कुफरी, रामपुर और फिर काजा हो गया आप लोग। तो फिलहाल वही रास्ता ओपन है, उसी फिलहाल चलते हैं, स्पीति वैली घूमते हैं। और यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, यहाँ पे ये है PWD सर्किट हाउस, ठीक है। साथ ही में पीछे वो देख सकते हो आप, पूरे के पूरे बर्फ़ के पहाड़। सो बहुत ही बढ़िया मज़ा है यहाँ पे, ठंड बहुत तगड़ी है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है हमें पहले से ज़्यादा, लेकिन वो बढ़िया मज़े हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू, ठीक है, कल चलो। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. स्टैचू के पास आने के लिए आपको लांगजा आना पड़ेगा, ये लांगजा में है। सो कॉमिक का रास्ता अलग है एंड लांगजा का रास्ता अलग है। यस, कॉमिक का रास्ता अलग है एंड लांगजा का रास्ता अलग है। सो बाकी ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। बढ़िया से आप लांगजा के रास्ता लो और यहाँ पे आके ये बुद्धा स्टैचू देखो, क्योंकि अब बहुत ही कहना चाहेंगे आप। बढ़िया व्यू है और क्या मज़े आ रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब हवा बहुत तगड़ी चल रही है भाई, ड्रोन लेने का यहाँ पे बहुत तेज चल रही है, शायद आपको पता चल रहा होगा। डेड बाइक पे इतना village in the world, yeah, highest village in the world. Agar sab mein koi dikkat nahi hai to fir main kuch
चला के घूमने लगे तो यहाँ पे फुल मजे कर रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। हाँ लेकिन बहुत ही तगड़ी हवा चल रही है यहाँ पे, ड्रोन नहीं उड़ा रहे हैं, ड्राइव नहीं कर रहे हैं। Highest village in the world connected with river road, Comic. So right now, abhi hum Comic mein hain and we are at the highest village in the world connected with motorable road. I hope so was REO. थक गए, सांस फूलने की दिक्कत भी आती है यहाँ पे। बाकी फिलहाल अगर स्लोली स्लोली आओगे, आराम आराम से आओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। गाड़ी में अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, बहुत ही बढ़िया मज़े से आ रहे हैं। ठीक है, काजा से यहाँ पर रास्ता बीच में बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसा था कि यार हिला डाला था। और ये जो बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, पूरी तरफ बर्फ़ के पहाड़, पूरी तरफ भाई, पूरी तरफ, ये देखो मतलब हर जगह। और यहाँ से वो देखो नीचे अगर कुछ दिख रहा है तो, इधर उस तरफ को कैफ़े है, मतलब इधर कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे खाना ज़रूर बनता है। यहाँ पे 200 रुपीस की एक थाली मिलती है, वेजिटेरियन थाली, और लोग कहते हैं लोग कहते हैं इट इज़ मस्ट, वो 200 रुपीस की थाली ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हम तो यार काजा से ही निकलते के साथ ही हमने इतना खा लिया कि यहाँ पे हमारे को तो भूख नहीं लग रही है। तो फिलहाल यहाँ से अभी हम चलेंगे हिपकेम के लिए। स्पीति वैली इज मस्ट, यहाँ ज़रूर आना चाहिए भाई, ज़रूर। रास्ता लंबा है, थक जाओगे, बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन वर्थ है। जब ये हो जाएगा तो इट इज रियली वर्थ है, तो ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। अरे बना रहा हूँ ऐसी रात को फुल शोर मचाने लग रहे थे, शोर नहीं मचा रहे थे, बातें करने लग रहे थे। जैसे वो आए ना, उन्होंने नॉक करा, ठक 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 ठक, ऐसे ऐसे सब चुप हो गए, जैसे अंदर कोई है ही नहीं, अंदर कोई है ही नहीं। रात तक थे हमारे पास दो कमरे, कैसे चुप हुए थे, कैसे चुप हुए थे। ठीक है, जो शॉट जिसकी साउंड सही नहीं आएगी उसको काट दूंगा ना। बोले बोले को सांस की दिक्कत होगी थी वैसे बीच में, लेकिन पर अब ठीक है, अब ठीक है बोले। यहाँ पे मतलब पहुँचती हुई थी उसको, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा इधर उधर घूम के ठीक हो गया। तो पानी मसला है, पानी जरूर पीना, यहाँ पे रेस्टोरेंट है उस पर खाना जरूर खाना, 200 रुपये की थाली है। सो अभी हम हाईएस्ट इंडियन पोस्ट ऑफिस पे भी आ गए हैं, वो नीचे की तरफ है, थोड़ा सा रोड ऊपर है, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, वहाँ से थोड़ा चल के आना पड़ता है भाई नीचे। ये है, जब वापस ऊपर चढ़ोगे तो सांस जरूर हो जाएगी। अरे यार सांस कब हो रहा है, बस बाकी सब ठीक है। क्यों परेशान, ठीक है सब, सांस फूल रही है बस, और कुछ तो आ रहे हैं परेशान, मजे फुल मजा आ रहे फुल। सो ये है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट। सामने कैफे है, सामने ही कैफे है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यहाँ से अपने घर पे पोस्ट करवा लो कुछ भी। तो यहाँ पे नीचे पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, ये है स्पॉट। यहाँ पे तुम अपना मतलब ले सकते हो कुछ भी, पेप्सी वेप्सी और चाय वाय सब कुछ। तो यहीं पे गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ से ही नीचे जाना होता है। ठीक है, लेकिन तभी चढ़ाइए, अब वापस जा रहे हैं काजा के लिए। तो यहीं से डायरेक्टली काजा के लिए रास्ता निकलता है यहीं से नीचे, और यहाँ से बता रहे हैं आधे घंटे का रास्ता है काजा का, 20 किलोमीटर के करीब है। तो वो देखते हैं, बढ़िया काजा पहुँचते हैं। एडिट कर रखे सब है, ग्रीन 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 स्टूडियो है, एडिट कर रखे। ये है पूरा काजा, और हम कहाँ रुक रहे हैं, वो रहा हमारा गेस्ट हाउस। सभी व्यू के मजे ले रहे हैं। Hey
निंजो निंजा टेक्निक हिमालयन कैफे। तो ये जरूर आना बनता है, ज़्यादा कुछ महंगा भी नहीं है, बढ़िया तो ज़रूर आओ। लेकिन पर इसकी वाइब बहुत अच्छी है, क्राउड बहुत अच्छा है, तो ज़रूर आना तो हिमालयन कैफे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। ड्रोन शॉट, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, हर जगह नहीं उड़ा पाए ड्रोन क्योंकि इतनी हवा के अंदर नहीं उड़ पाया। सो जो भी वीडियो हो पाई वो डाल दी है, लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो। ड्राइव सेफ एंड अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। स्पीति वैली ज़रूर घूमना, बाय बाय।